एक अफवाह है कि एक रेस्टोरेंट में चिकन संजू बाबा के नाम से एक रेसिपी है वो आपकी बनाई हुई है जी। कहाँ पे है संजू सर? ये डोंगरी में है, एक वो रेस्टोरेंट का नाम नूर मोहम्मदी होटल है। अच्छा, तो मेरे पास आए थे तो मैंने वो चिकन बना के दिया था उनको। अच्छा, पसंद आया तो उन्होंने बोला रेसिपी दे दो, दे दी मैंने। तो ये सुनने के बाद हम भी निकल पड़े नूर मोहम्मदी होटल में चिकन संजू बाबा ट्राई करने के लिए। आइए देखें। तो गाइस एंड वेलकम बैक टू जीकेवी गज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग आए हैं मोहम्मद अली रोड पे पठानी के कपड़े देखने के लिए, रेडीमेड देखने के लिए हम लोगों के लिए बेसिकली। और ये पूरा पायदोनी का इलाका है, पायदोनी एरिया का जो नवाब मस्जिद का एरिया है, जो जहाँ पर रेडीमेड कुर्ता सलवार मिलते हैं। तो हम लोग देखते हैं वहाँ पर अभी हम लोगों को क्या क्या मिलता है। अभी बज रहे हैं रात के 12, तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या है। मैं आपको मार्केट भी दिखा देता हूँ यहाँ की। तो गाइस अभी बज रहे हैं 12 और मतलब 12:15 के करीब हो रहा है, लेकिन यहाँ पर सीन देखिए, इतनी रश है यहाँ पर और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे 7-8 बज रहे होंगे शाम के। यहाँ पर मतलब सारी दुकानें चालू है और सारी दुकानें हमें ख़रीदार है और पूरा रास्ता भर के पब्लिक थी यहाँ पर। और काफ़ी सारे आपको ऐसे पायदोनी पे स्टॉल्स मिल जाएंगे जो रोड साइड स्टॉल्स भी होते हैं। यहाँ पर लेसेस हो गई, ट्राउज़र्स हो गए, चप्पल जूते वगैरह हो गए, ऐसे ड्रेसेस है और काफ़ी सारी छोटी छोटी चीज़ें मिल जाएगी आपको यहाँ पर। कुर्ते पैजामा के ऐसे स्टोर्स भी है और रोड साइड स्टॉल्स भी है। तो हम लोग पहले बच्चों के लिए यहाँ पर देखने के लिए आए थे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ कलेक्शन देखने मिल रहा था आपको यहाँ पर। फिर रोड साइड स्टॉल्स में आपको नमाज के दुपट्टे, स्कार्फ्स और अबायास के दुपट्टे भी मिल जाएंगे यहाँ पर। तो हम लोगों ने ये पहली एक शॉप यहाँ पर देखी हम लोगों को, जो शेरवानी वगैरह भी थी, कुर्ते भी वगैरह भी थे यहाँ पर। तो हम लोगों ने सोचा अंदर जाते हैं और बच्चों के लिए देखते हैं, पहले स्टार्टिंग बच्चों के कपड़ों से करते हैं। तो ये एक शॉप में बहुत ही अच्छा एक पीस मिल गया हमें। फिर हम लोग निकल गए, मैं आपको थोड़ा मार्केट का टूर कराता हूँ। ये नवाब मस्जिद की जो गली है पूरा पायदोनी से लेके, ये पूरा बेसिकली जेंट्स के कपड़ों का भी मार्केट है, किड्स वेयर भी है यहाँ पर, और थोड़ा बहुत बीच बीच में आपको लेडीज़ की भी चीज़ें मिल जाने वाली है यहाँ पे। बेसिकली ये कुर्ते और कुर्ता पैजामा, शेरवानी और पठानी वगैरह के लिए ज़्यादा अच्छा मार्केट है यहाँ पर। तो काफ़ी हम लोग एक्चुअली, ये जो फुटेज है रात के 1 बजे का है, तो काफ़ी शॉप्स बीच में बंद दिख रही है आपको। और ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रीट शॉप्स ही है यहाँ पर, ये देखिए शोरूम्स भी है, बच्चों के कपड़े, ईद के कपड़े ऐसे मिल जाते, शोरूम्स भी है यहाँ पर। तो मैंने एक फुटेज उसका भी ले लिया आप लोगों के लिए। फिर वापस से हम लोग आ चुके थे यहाँ पे। ये लोकल देखिए स्नीकर्स वगैरह बहुत ही ज़बरदस्त रेट में, बहुत ही अच्छे अच्छे, ये पूरा फुटवेयर का मार्केट है यहाँ पर। जेंट्स के स्नीकर्स है, लेडीज़ के है, फिर चप्पल है पठानी वगैरह पे पहनने के लिए। तो ये कुल मिला के एक बाज़ार आपको पूरा फुल टू चीज़ें मिल जाने वाली है यहाँ पर। खाने पीने के भी रेस्टोरेंट से जॉइंट से बीच में, और फिर यहाँ पे जो मोहम्मद अली रोड की जो रौनक होती है वो बिल्कुल देखने लायक होती है रमज़ानों में स्पेशली। ये देखिए पूरा यहाँ पे खाने पीने। हम आ गए हमारी फेवरेट मीनारा मस्जिद की गली में। मैं इसका डिटेल में यहाँ पर मैंने शूट नहीं किया, व्लॉग नहीं बनाऊंगा, बिकॉज मैंने काफ़ी सारे शॉट्स मेरे इंस्टाग्राम पेज पर डाल चुके हैं। गाजी का व्लॉग इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो करिए अगर आपने नहीं फॉलो किया है। तो वहाँ पर आपको मोहम्मद अली रोड के काफ़ी सारे डिशेज़ मिल जाएंगे। तो ये मैंने एक ग्लिम्स ऐसे ही रोड का लिया है। ये तकरीबन 2 बज चुके थे अब रात के यहाँ पर, लेकिन रौनक देखिए, देखने लायक की रौनक थी यहाँ पर। सैंडल्स वगैरह, ये मोहम्मद अली रोड का फ्लाईओवर है, ये सैंडल्स की शॉप्स है, साइड में रिंग्स है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, बहुत कुछ मिल जाएगा आपको। और मेन हम लोगों को आपको दिखाना था नूर मोहम्मदी होटल। तो जिस काम के लिए आए हम चिकन संजू बाबा ट्राई करने नूर मोहम्मदी होटल का, वो दिखाते हैं आपको। तो यहाँ पे एंट्रेंस पे एक जिप्सी खड़ी थी बहुत ही अच्छी, मेरी वाइफ की फेवरेट कार है, इसलिए मैंने इसको भी शूट कर लिया इसके अंदर। तो गाइस ये नूर मोहम्मदी होटल तकरीबन 100 साल पुरानी है यहाँ पर, और ये एक एक्टर संजय दत्त है, जो उनका यहाँ पर चिकन संजू बाबा के नाम से उनकी रेसिपी चलती है, उनकी दी हुई रेसिपी है। मुंबई की बहुत ही फेमस प्लेस है यहाँ पे। हम लोग सहरी की ये 4 बज रहे थे यहाँ पर, ये देखिए लगभग 4:15 बज चुके थे, इसलिए मैंने फुटेज लिया हूँ ये घड़ी का, यहाँ का 4:15 बज चुके थे। सहरी का टाइम हो चुका था लगभग, हमारी पूरी शॉपिंग कम्प्लीट होके फिर हम लोग यहाँ पर आके बैठे और सहरी ऑर्डर की। तो सबसे पहले यहाँ पे तंदूरी रोटी रखकर रखी गई, और ये है द फेमस चिकन संजू बाबा, जो कि हम लोग ने हाफ ही ऑर्डर किया था बिकॉज हम लोग ऑलरेडी फुल थे। और ये है नल्ली निहारी मटन की, दोनों भी हाफ ऑर्डर किया था हम लोगों ने। तो ये है चिकन संजू बाबा, अगर आप हाफ प्लेट ऑर्डर करते हो तो इसमें आपको सिर्फ एक ही लेग पीस आ जाने वाली। टेस्ट की बात करूँ तो मुगलाई से बिल्कुल अलग हटके टेस्ट है, स्वीट चिली का टेस्ट है इसके अंदर, लाल मिर्ची का ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, स्वीट चिली लगी मुझे। और ये नल्ली निहारी, ये यहाँ की 4 सिग्नेचर डिशेज़ है, एक नल्ली निहारी, ये चिकन शामी कबाब और ये चिकन हकीमी, ये 4 फेमस डिश है नूर मोहम्मदी।
तो फिर वहाँ पे थोड़ी सी सहरी करने के बाद हम अपनी बची हुई सहरी को मुकम्मल करने के लिए आ गए मीनारा मस्जिद की गली में। और यहाँ पर आते आते मुझे 4:30-5 बज चुके थे। और यहाँ पर आप देखिए, ये जब वक्त होता है तो यहाँ पर क्लीन अप की एक गाड़ियाँ आ जाती है म्यूनसिपालिटी की, और ये पूरी सफाइयाँ शुरू कर देते हैं यहाँ की। तो ज़्यादा थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया था यहाँ पर, और दुकानें वाइंड अप होने शुरू हो गई थी। तो ये नूरानी मिल्क सेंटर की फिरनी है, ये पप्पू जूस का, कोकोनट का बच्चों को देखकर मुझे वही याद आ रहा है, कोकोनट का जूस है। और ये गली में पूरा काफ़ी सारा कुछ है, लेकिन वाइंड अप होना स्टार्ट हो गया था। तो आधी सहरी नूर मोहम्मदी में करने के बाद हम लोगों को मीनारा मस्जिद का यहाँ का मटन रोल, नान चाप वगैरह ये सब तवा आइटम ट्राई करने थे, लेकिन यहाँ पर अभी कुछ भी नहीं मिलने वाला था। 4:15 बज चुके थे, सब कुछ वाइंड अप हो रहा था और ख़त्म हो जाता है फटाफट यहाँ पर। तो मुश्किल से मुझे एक रोल मिल गया और मैंने भुना लिया, और यहाँ पर ये डायमंड पाव जो कि फेमस है यहाँ पर, लंबे पाव भी कहलाते हैं, वो लिए मैंने। और पैक करा कर मैं निकल पड़ा अपनी कार की तरफ जो कि बाहर रोड की साइड। अभी हो गया है मेरा सहरी लेके, सहरी और पानी की बोतल ले लो, गाड़ी में वेट कर रहे हैं। और एक्चुअली यहाँ पे 4 बजे शुरू हो जाता है सफाई अभियान, मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे सब बीएमसी की गाड़ियाँ आने लग जाती है सफाई के लिए, तो यहाँ पे अभी मोहल्ले की सफाई स्टार्ट हो चुकी है, इसीलिए मोहल्ला बंद करा रहे हैं लोग, ऐसे गार्बेज ट्रक्स आ जाते हैं। तो अभी मैं निकलता हूँ बाहर की तरफ। भीड़ है भैया, 4 बजे के टाइम पे भी बहुत भीड़ है। फाइनली लोग ने कार सामने खड़ा रखे, यहाँ पे पुलिस वगैरह की कार भी है, बैरिकेड डाले हुए, अभी सब निकल रहे हैं। मैं भी सामने की तरफ जाता हूँ, हालत देखो पसीने से क्या हालत हो गई है। और अभी सहरी का टाइम भी हो गया है, पर पार्किंग एक्चुअली बहुत मुश्किल से मिलती है, तो पार्किंग के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ी। अभी यही जाके 4 बज रहे सुबह के, और ये पूरा मोहल्ला की दुकानें बंद कर रही है पुलिस, तो इसीलिए हमें यहाँ सामने थोड़ी सी देर के लिए, वो भी पार्किंग में नहीं लगा सकते, सामने खड़े थे भैया, वाइट कार यहाँ पे खड़े हैं, इजाजी खड़ा है यहाँ पे। अब हम लोग जाके गाड़ी में ही फटाफट सहरी कर लेंगे। ये सहरी का मज़ा लेते हुए हम लोग, ये देखो इजाजी यहाँ पे सहरी कर रहे हैं, और ये रियाज दादा को हम लोग खास याद कर रहे हैं लंबे डायमंड पाव के साथ में। यहाँ पे हम लोगों ने लिया है ये भुना, मटन भुना, और ये है रोल। और अभी हम लोग यहाँ पे कार में सहरी करेंगे और फिर निकलेंगे। कैसा लग रहा है? थक गए बहुत, थक गए ना। हमारी सहरी हो चुकी है, लेकिन सहरी इनकम्प्लीट है चाय के बगैर। तो हम लोग यहाँ पर जे पे आए है चाय पे कॉर्नर पे, ये कौन सा नागोरी चाय सेंटर है यहाँ पर, तो इधर हम लोग कौन सा वाला है, दो टाकी पे हम लोग चाय पीने के लिए आए। यहाँ से अभी चाय पियेंगे, अब बज रहे हैं लगभग 4:30 हो चुके हैं, अभी हम लोग यहाँ से चाय पियेंगे और सहरी का वक्त खत्म और निकलेंगे अपने घर के लिए। ये आ चुकी है हमारी गर्मा गर्म चाय, और अभी हम लोग चाय पियेंगे। फिर सहरी का वक्त हो गया खत्म, हम लोग निकल पड़े अपने घर के लिए। इजाजी बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए जाने टाइम पे मैंने ऑफर किया ड्राइव करने की, और हम आ गए अपने घर। तो कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये मैं क्लिप डालने भूल गया था इसकी लास्ट में। बाय बाय।